और थोड़ी हैरानी सी। Sorry, but he's online. जहेज या लड़की के घर वालों से कुछ भी लेने वालों को मैं सीरियसली जज करती हूँ। आई मीन हमारी सोसाइटी में अक्सर इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए लेन देन का नाम दिया जाता है, पर अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली ये सिर्फ वन साइडेड होता है। एक बात बताऊं आपको आलम साहब, जब कोई चीज मेरे दस्तरस में नहीं होती ना, उससे मैं दुआ में मांग लेता हूं। अगर मिल जाती है तो समझ जाता हूं कि कहीं दूर बैठा खुदा मेरी भी सुन रहा है, और अगर दुआ से भी ना मिले तो समझ जाता हूं कि इसमें भी खुदा की कोई मसलियत होगी। तुम्हारे माँ बाप की यकीनन कोई नेकी हुई जिसके बदले तुम जैसी औलाद मिली। रजिया जी, जैन बाबा। अम्मी बाबा कहाँ हैं? वो अभी तक अपने कमरे में हैं। अच्छा, रखे नाश्ता लगाएं, हम आते हैं। मेरी सिद्धि माँ, क्या करूं मैं इन दोनों का? अरे भाई, ये सुबह ही सुबह किचन में तुम क्या तजुर्बे करने लगे? आप मेरी कुकिंग स्किल को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं आप तजुर्बा कह के। आपको पता है बाहर में लोगों के घरों में खाने बना बना कर ही पैसे कमाते। चल हट पगला कहीं का, तुम्हें वहां ये करने थोड़ी भेजा था, माशाल्लाह लॉयर हो। अरे भाई, ये अकबर जो है ना, छुट्टी पे जाते वक्त हमारा सामान न जाने कहाँ रख के चला जाता है, बाद में ढूंढते ही रहते हैं। अब पता नहीं ये सनसी कहाँ रख दे। सनसी क्या होता है? आप सनसी होता नहीं, सनसी होती है जिससे किचन में चीजें पकड़ी जाती हैं। तो चिमटा बोले ना, चिमटा। चिमटा तो होता है, और चिमटा वो होता है जिससे आपकी अम्मा ने बचपन में खूब आपकी पिटाई की। अम्मा से याद आया, हाँ। ये मेरे अलावा भी कोई टॉपिक है आप लोगों के पास एक दूसरे से लड़ने का? नहीं, मुझे लग रहा है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं आप दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता हूँ ताकि मसला ही खत्म हो जाए। बल्कि बाबा से भी पूछ लेता हूँ अगर उनको भी कोई लड़की पसंद हो। इनफैक्ट मोहल्ले में भी कोई एक देख लेता हूँ ताकि चारों का कोटा एक साथ ही पूरा हो जाए। चल हट पगला कहीं का, उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, आप ये इधर ही रखें चाय।
आप टेबल पर बैठे, सब कुछ आपको वहां पर ही सर्व होगा। अरे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ ना। नहीं नहीं मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, प्लीज आप चले यहाँ से। डाइनिंग टेबल पर बैठे। ना 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 ना। You know that I love you, right? चलो चलने। शुरू करें? सब कुछ मैंने खुद बनाया है। जबरदस्त। वैसे शादी बहुत ही बेकार चीज है, अभी आने वाली आई नहीं और घर में फसाद भी शुरू हो गया। बेकार में समंथा बेचारी का दिल तोड़ दिया मैंने। समंथा? कौन समंथा? समंथा सिर्फ एक मजाक है, कुछ भी रियल नहीं। लेकिन इमेजिन करें कि मैं पाकिस्तान में आता और आप लोगों को यह बताता कि समंथा नामी एक गोरी से मैंने शादी कर ली है, तो आप कम अज कम एक पेज पर तो होते ना तीनों। मेरे खिलाफ ही सही, लेकिन कम अज कम ये आपस में लड़ तो ना रहे होते। अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए कोई ख्वाहिश रखे तो वो जिद तो नहीं होती ना। मेरी पैदाइश के बाद 3 साल जो आपने जिंदगी से जंग लड़ी है ना, मैं चाहकर भी उसका कर्जा नहीं उतार सका। आप मुझे अगर पहले बता देती कि किसी और लड़की के पास जाना है तो हम पहले उधर ही चले जाते, लेकिन आप ही ने मुझे ये सिखाया है कि अच्छे लोग अपनी जबान से नहीं मिलते। दैट्स इट। और आप लोगों ने मुझे ये भी सिखाया है कि इंसानों में और चीजों में फर्क होता है। अब इस तरह हर किसी के घर में जाएं, उनकी बेटियों को चीजों की तरह देखें और उस पर जजमेंट भी पास करें, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो शैला, शुमायला, रजिया, सुल्ताना, जिसके पास भी आप लोगों ने मुझे लेके जाना, मैं चला जाऊंगा। इनफैक्ट भागता हुआ जाऊंगा। ज्यादा नहीं बोलने लगी। चलो नाश्ता करो। आप लोग शुरू करें, बल्कि मैं सर्व करता हूँ। वैसे अम्मी, आज मैं हारिस के घर जा रहा हूँ, वहाँ पर गेम नाइट है, तो हम सब दोस्त वहीं पर रहेंगे पूरी रात के लिए। आप मेरे कमरे में सो सकती हैं, क्योंकि बिस्तर पे बैठे बैठे सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चीज पे लिखा है कि कम हो गए लेकिन बढ़े जा रहे हैं। ये हो गया साबुन। सैलरी साल में 10% बढ़ती है, वो भी एक बार, और ये चीजें इनकी प्राइस हर हफ्ते बढ़ जाती है। देखो सेव, पता नहीं कौन सी सेविंग। ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैम आपका कार्ड चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कैश दे दें। आप एक और बार ट्राई कर लेंगे प्लीज? मेरे पास कैश नहीं है और यहाँ पे कहीं पास में एटीएम भी नहीं है। मैम 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो सीधे हाथ में एटीएम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर आप रखिए, मैं अभी आ रही हूँ। मैं पे कर देता हूँ। नहीं नहीं हाय, इट्स परफेक्टली फाइन, मैं पे कर दूंगी, बस अभी आ रही हूँ। कोई मसला नहीं, यू कैन पे मी बैक। आपके आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, मैं पे कर लेता हूं। नहीं, इन्होंने अभी बताया है कि एटीएम पास में है, मैं अभी आ जाऊंगी। आई कैन मैनेज, इट्स रिलैक्स। मैंने कहा ना, यू कैन पे मी बैक। देखिए ऐसे अच्छा नहीं, थोड़ा जल्दी डिसाइड कर ले, पीछे लाइन लंबी होगी। कितना हो गया?
फिर। ये लीजिए। Really don't have to do this. इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे आप तो इतनी बात से मुकर गए, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। थैंक यू। याद है लास्ट टाइम मैंने क्या कहा थी? लोगों को एक ही मुलाकात में जज करने वालों को मैं भी जज करता हूँ। वैसे आप यहाँ कैसे? वो असल में पास में ही मेरा जो बैंक है वहाँ पर था मैं। घर से निकलते हुए मैंने टाइम देखा नहीं और जब वहाँ पर पहुँचा तो पता चला कि लंच ब्रेक हो रही है। गाड़ी भी बहुत दूर पार्क की हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मार्ट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते। लंच ब्रेक खत्म होने में वैसे अभी भी आधा घंटा, अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में वेट कर सकते हैं। अरे नहीं, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, मैं उधर गाड़ी में ही बैठ जाऊंगा। नहीं, हमारे ऑफिस में भी लंच ब्रेक ही है। It's perfectly fine. Only if you want to. चले? चल। Thank you. आपकी जगह कोई और भी होता ना तो मैं ऐसा ही करता। चलें, आप इसको फेवर कह लें या फिर हेल्प, मेरी बात का मतलब तो आप समझ गए। देखिए, अगर कोई काम इस नियत से किया जाए कि उसका अजर मिलेगा तो इसका मतलब है कि नियत में ही खोट था। आ जाए। Excuse me, ma'am. Mm-hmm. Ma'am, Amar Textile की ईमेल का रिप्लाई है। आप बॉडी चेक करके फिर कर दो राजेश अंदर रिप्लाई। अच्छा, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा। Thank you. It's a nice office. और आप यहाँ पे बहुत खुश भी लग रही हैं। शायद इसीलिए कल अपने करियर को लेके आप इतना क्लियर थी। मैं आपसे कल के बारे में एक बात करना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी बताइए। जैदी अंकल ने आपके रिश्ते का जिक्र काफी पहले किया था बाबा से, पर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। ओके। मैं ये नहीं चाहती थी कि आपका या आपकी फैमिली का टाइम वेस्ट हो। ये रिश्ता बुलाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी बहन के ससुराल में शादी नहीं करना चाहती। आप इसे मेरी जिद समझ लें या फिर मेरे बहनों ही चाहते हैं कि मैं उनके कजिन से शादी करूं, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। आपको लग रहा होगा कि मैंने इस रिश्ते को यूज किया है, बट मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको या इस रिश्ते को यूज करूं। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सीरियसली। नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन इफ आई मे आस्क, आपने शादी ही नहीं करनी या मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस अपने बाबा की नजरों को किसी और दामाद के आगे झुकता हुआ नहीं देखना चाहती। well, किसी के डरा देने से या उसके खौफ से जिंदगी के इतने बड़े फैसले तो नहीं लिए जाते। आप एक समझदार लड़की हैं और मुझे लगता है कि आपने अपने दिल और दिमाग के ऊपर जो खौफ के दरवाजे बंद किए हैं उनको दिलेरी के साथ खोलने का वक्त आ चुका है।
कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी में गलतियां भी होती रहती हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली के क्या डायनामिक्स हैं और क्या कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि किसी को माफ कर देने से आप अपने आप को उस गलती की सजा नहीं देते जो किसी और ने की होती, और आइंदा जिद से नहीं दिल से फैसले कीजिएगा। मेरा दिल भी यही कहता है, पर मैं किसी की खिदमत या गुलामी में अपनी जिंदगी जाया नहीं करना चाहती। अच्छी बात है, दिल की सुनते रहना चाहिए, ये वक्त और हालात के मुताबिक इंसान को गाइड करता रहता है। और वक्त और हालात की अच्छी बात ये है कि ये हमेशा एक से नहीं रहते, बदलते रहते। खैर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। खुद कैसे डिसीजन ले सकते हैं? क्यों? इससे पहले इस घर के फैसले कौन करता रहा है? वैसे भी जमील इस घर का बड़ा है। शुक्र करो बात यहीं तक रुक गई। अब अगर जमील का मूड होगा वो उन दोनों को वापस ले आया है, तो बांट देना मिठाई। ऐसे माफ करना, ये सारा किया था ना तुम्हारी छोटी साली का है, ये अकीके का शोशा उसी ने हमारे सर पे डाला। तो वहां रिश्ते की बात ना करें ना, क्यों बिलावजह हमारे घर में टेंशन आए, और वो भी ऐसे रिश्ते के लिए जो भी बना ही नहीं। शादी के बाद तुम्हारी अकल और खुददारी दोनों जाया हो गई है। धोखा, धोखा इंसान की अना को बहुत तकलीफ देता है। धोखा हुआ है हमारे साथ। वैसे भी यहाँ पर दामाद की बात की तो कोई हैसियत ही नहीं है। उनको तो सोचना चाहिए, उनकी दो बेटियां ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद हैं, और तीसरी का बोझ भी हम ही उतार रहे हैं। अम्मा, कम से कम आप तो जत्ती पे तेल ना डालें। खबरदार, खबरदार जो अम्मा के साथ बदतमीजी की, तो अगर इतना ही दिल मचल रहा है ना बीवी के लिए, तो निकल जाओ इस घर से, कहीं और जाकर बंदोबस्त करो अपना, और फिर इस घर और कारोबार पर नजर मत रखना। और सुनो, अगर बगैरतों की तरह वहां चले भी जाओ तो कह देना सवेरा से यहां आने की जहमत ना करे, पर्चा पहुंचा दूंगा उसे। बीवी के आगे कुछ दिखते ही नहीं है इसे, जो उसने कह दिया वो आमना सदक। चोरों का फला देख लो आए थे। अस्सलाम वालेकुम ईवान बाजी। वालेकुम अस्सलाम। पापा कहाँ हैं? नमाज पढ़ने गए क्या? नहीं, मैं उनको जबरदस्ती घर छोड़ आया हूँ कि कुछ देर आराम कर लें, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आपको यही बताने के लिए कॉल कर रहा था लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। खैर, ये नए कोर्सेज की इन्वेंटरी चेक कर लें प्लीज आप। रजिस्टर ले आओ। देखिए बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर आपने मेन्यू को प्रेस किया नीचे आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए, बिजली का बिल करना है, गैस का बिल करना है, फोन का टॉपअप वगैरह, सब कुछ इसी ऐप के ऊपर हो जाएगा, ट्राई करना। अच्छा, वैसे ये है फसल में बिजली का बिल, ये हमने किया जी, ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर देखे भी ये बिजली है जी, डीसी को जैन जैन तनी कहा है लड़का जैन। भाई जैन तो लगता है आज शहजाद को सारा इंटरनेट सिखा कर ही दम लेगा। अच्छी लग रही हो हंसती हुई, ऐसे ही हंसती रहा करो जी। अगर इंसान अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेना आपा, तो अगली जीत की तैयारी में कुताही नहीं होती।
मैंने अपनी तैयारी कर ली है, आप अपने बारे में सोचें। अकबर, ये ट्रे बाहर ले आओ। नादिर के साथ सारा बजट कर लूंगी मैं। आपका प्यारा वो गोला दोस्त बेटा सालार भी तो है, केटरिंग वगैरह वो देख लेगा। जरूर ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। नादिर ये कप शॉप में रह गए थे मेरी, तो रख लो उन्हें। जी सलार भाई, मैं रख क्या दूं। आपके हाथ का जख्म ठीक हो गया? जी अब काफी बेहतर है। थैंक्स। नादिर जाते हुए टिफिन याद से घर ले जाना। अंकल टिफिन आज घर भूला है, सलार भाई ने जबरदस्ती लंच करवाया उन्हें। बाबा का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। जी आपसे एक बात करनी थी। कहें। हाँ जी, आलम साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फिक्र भी लगी रहती है उन्हें, बल्कि आप तीनों की। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक औलाद की खुशी को चूज करना। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं आपकी जगह हो ही नहीं सकता इमान जी। आई एम सॉरी, कल मैंने आपकी बात सुन ली थी। इमान जी मुझे लगता है आपको एक दफा दिल खोल के आलम साहब से बात कर लेनी चाहिए, बगैर किसी जिद के, बगैर किसी लड़ाई के। अगर आप चाहें तो मैं बात शुरू कर सकता हूँ। किसी की मुश्किल को समझ जाने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। आपको क्या लगता है, दिल की बात कह देना इतना आसान है क्या? खास तौर पे जब आपको ये पता हो कि सामने वाला अपने ख्यालात को बदलने का कोई इरादा नहीं रखता। बाबा को लगता है कि मेरा फ्यूचर सिर्फ तभी सिक्योर हो सकता है जब मैं शादी कर लूं, उनके बाद जमील भाई मुझे तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी जमील भाई से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की हुई है ना। सवेरा की शादी के वक्त भी तो उन्होंने इसी सिक्योरिटी के बारे में सोचा होगा ना। तो फिर अब इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे? इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि मामला पहले जैसे ही निकलेंगे। ईमान जी पता नहीं क्यों हम पेरेंट्स को अजमत के उस पेडेस्टल पे बिठा देते हैं जहां हमें लगता है कि उसे कोई गलती नहीं हो सकती। आपकी शादी को लेकर रिटेलिएशन आलम साहब को बार बार उस गलती की याद दिलाती है। जिद ना कीजिए ईमान जी, उनकी सुनिए, उन्हें अपनी सुनाइए। बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए। हर
ऐसी कौन सी ईजाद हो गई कि दोनों खोजने में लगे हैं? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनता ही कोई नहीं मेरी तो। मैं मोबाइल बैंकिंग इनको समझा रहा था, इतनी लंबी कतारों में लगे हुए होते हैं बैंक के अंदर, अब तो ऐप के ऊपर सारे बिल्स पे हो जाते हैं। यार है तो चले, मेरे पास का नहीं भाई। मैं चक्कर नहीं पड़ता भाई। आप वो मेरी जय साहब से बात हुई थी आज, अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में जो था ना, वो बता रहे थे कि आलम साहब की तबीयत कुछ खराब है। खैरियत? आलम साहब? कौन आलम साहब? हद करती हो, जिनके यहाँ बेटे का रिश्ता ले गई थी, उनका नाम तक याद नहीं तुम्हें? आप हमें उन्हें कॉल करनी चाहिए, उनकी खैर खैरियत भी पता चल जाएगी, और फिर जैदी साहब ने उनके सामने फोन किया था तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ऐसा करते हैं कि उन्हें अपने घर बुला लेते हैं किसी वक्त। वैसे भी वो हमारे घर आना चाह रहे थे, हमसे मिलना चाह रहे थे, तो उन्हें अपने घर इनवाइट कर लेते हैं। नहीं लेकिन इसका मतलब तो लड़के वालों की तरफ से हाँ होती है ना? तो हाँ नहीं है क्या? इससे क्या पूछ रहे हैं आप? पहले हम आपस में तो बातचीत कर लें। और ये कल तक तो ठीक थे आलम साहब, अजीब ये प्रेशर टैक्टिक है। और जैदी भाई को देखे ना, वो तो रिश्ते कराने वाली औरतों से भी बदतर निकले। शायस्ता कॉल उन्होंने नहीं की थी, मैंने की थी। और कभी किसी के लिए कोई अच्छे अल्फाज भी बोल लिया करो, हर वक्त इल्जाम लगाते। शहजाद आप नहीं जानते, जिनकी चार चार बेटियां होती है ना, वो यही ड्रामेबाजी कर करके उनको निपटाते हैं। बुरी बात शायस्ता, बेटियां किसी पे बोझ नहीं होती। ऐसी बात मत कहो जिससे खुदा नाराज हो जाता है। खुदा तो माँ का हक छीनने पे भी नाराज होता है ना। Enough of this शादी discussion यार। दोस्तों को मैंने इसलिए डेट कराया था कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा, लेकिन आप लोग तो इन चीजों को लेके बैठ गए। अभी नेक्स्ट वीकेंड पे मैंने कैंपिंग पे चले जाना है, फिर आप लोगों ने कहना है कि ये आए ही अपने दोस्तों से मिलने के लिए। Enough of this। मेरी बात समझने की कोशिश करो ईमान, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। जोया के बेटे का अकीका हम करेंगे, कल जाके उन्हें इनविटेशन भी दे आते हैं। चले सब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा। ईमान इस बात का उनकी नाराजगी से क्या ताल्लुक है ये बताओ। बाबा एक तो ना, कल से ना आप अपने डर से निकले हैं और ना मैं अपनी जिद से। अच्छा एक बात बताएं, इतनी बार हमने जो जो कुछ सोचा है कभी वो बात निकली है? नहीं ना, इसीलिए ट्रस्ट मी साहब के बीच में सी जो नादर है, नादर के साथ सारा बजट कर लूंगी मैं। आपका प्यारा मुंह बोला दोस्त बेटा सालार भी तो है, केटरिंग वगैरह वो देख लेगा। गाड़ी के लिए काफी सारी सेविंग है मेरे पास, उसमें से बाकी इवेंट भी मैनेज हो जाएगा। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अब इन मसलों में पढ़ने नहीं दूंगा। मामा प्लीज, मसला मेरी वजह से हुआ है ना, तो उसे हल भी मैं ही करूंगी। कैसे हिसाब बना के रखा, कुछ कहते भी नहीं इसको। आना पड़ेगा, सब सब इधर उधर हुआ सब कुछ। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपको चाय का जरूर पूछती, लेकिन क्या करूं शाम से पैरों में दर्द। अरे नहीं बिल्कुल तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। जमील नजर नहीं आ रहे, घर पे नहीं है क्या? नहीं नहीं घर पे ही था, असल में बच्चों के बगैर ना घर काटने को दौड़ रहा। मैंने उसे कहा कि थोड़ा बाहर घूम फिर आए, मेरी बहन का बेटा वो तो बाहर रहता है,
तब जमील ही उसके सारे कारोबारी मामलात को देख रहा है। अब तो ना रिश्ता रहा है और ना कारोबार, बुझ के रह गया। आंटी मुझे लगता है कि जमील भाई को बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। सवेरा को तो इस सारे मामले के बारे में जरा भी इल्म नहीं था, बल्कि उन लोगों की आने की डेट तो पहले से ही मुकर्रर थी। वो तो तुम क्यों वसाह दे रही हो? वैसे भी लड़कियों को अपने मुंह से रिश्ते की बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जो हुआ सो हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप ठीक कह रही हैं, बड़ों के दरमियान हुई हुई बात पे बच्चों की खुशियों का इंतजार नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि अकीका मंसूख नहीं करना चाहिए, ये तो वैसे भी शुक्राने नेमत है। आपको तो पता है ना भाई साहब, जमील ने तो सबको मना कर दिया, सबको मना कर दिया। और ये भी मालूम है आपको कि अगर वो जिद पे अड़ जाए तो फिर उसे हटाना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, दरअसल हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस संडे को अकीका हम कर ले, अगर आपकी इजाजत हो तो। इसीलिए सबसे पहले आप ही के पास हाजिर हुआ दावत लेके कि आप अपने जाने वालों को भी बता दीजिए, उन्हें भी हम दावत भेज देंगे। नहीं नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बुलवा लूंगी। वैसे अकीका तो आसपास ही कहीं करेंगे ना हम, मीन्स तुम लोगों का घर तो बहुत छोटा है ना, और 100 के करीब तो लोग हो जाएंगे हमारे आपके मिलाकर। सजदा और उसके बेटे को भी बुलवा लूंगी मैं। जी बेहतर, हम कोई जगह देख लेंगे, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाए। अच्छा आंटी इजाजत दीजिए हम चलते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी, अगर कल जमील भाई बच्चों से मिलने आ जाए, वो बहुत याद कर रहे हैं, खुश हो जाएंगे। बिल्कुल आएगा, आने दो, कान खींच कर भिजवाऊंगी उसे। माँ की बात नहीं टालेगा वो। तो इजाजत दीजिए हमें। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को दरवाजे तक रुख्सत करने चलती, लेकिन क्या करूँ पैरों का दर्द। नहीं आप तशरीफ रखिए, इंशाल्लाह इतवार को मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़ आंटी। आपने शादी ही नहीं करनी या मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम? मैं बस अपने बाबा की नजरों को किसी और दामाद के आगे झुकता हुआ नहीं देखना चाहती। मेरा दिल भी यही कहता है, पर मैं किसी की खिदमत या गुलामी में अपनी जिंदगी जाया नहीं करना चाहती। चलो खेलो खेलो। बस अंकल देखें, बात तो गुस्से की ही थी, यकीन जाने आपका अपना बेटा होता तो वो भी यही करता। मैं भाई हूं उसका, गलत थोड़ी सोचूंगा उसके बारे में। लेकिन अगर आपको फिर भी बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दें। नहीं समझ सकता हूं। चाय तुम घर चलकर ही पिलाना, मुझे मार्केट जाना है काम से, तुम लोगों को ड्रॉप करके तैयार हो जाओ जल्दी। जी। चले हैं? ठीक है, रेडी हो जाए फिर आप। ईश्वर बेटा आ जाओ, बाबा आ गए हमें लेने। ओके मम्मा, तो मैं पैकिंग कर लूं। जाओ जल्दी से अपनी सारी चीजें ले आओ। गो। ईशु क्या हुआ? खाला आपको पता है मैं घर जा रही हूँ बाबा के साथ। अच्छा तो जल्दी से पैकिंग कर लो। ओके। ईमान थैंक यू।
खुश रहो। बस एक मशवरा है, रिश्तों को खरीदने की कोशिश नहीं किया करते, क्योंकि ये कभी भी किसी एक कीमत पे कायम नहीं रहते। जैन जी अब बेटा बिजी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आइए बैठिए। बेटा देखना जरा, पता नहीं क्या नोटिसेस आ रहे हैं और बार बार हैंग भी हो रहा है। जी आपा नहीं, वो अपग्रेड की नोटिफिकेशन है, मैं लगा देता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, बड़ों में कभी कभार ऊंच नीच हो जाया करती है, डिसएग्री भी करते हैं एक दूसरे से, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम खुश रहा करो। आपा आपको पता है कि मेरी खुशी आप लोगों की खुशी से जुड़ी हुई है। वैसे अगर आप क्वेश्चन ना करें तो एक राय दे सकता हूँ? बोलो। मुझे वो अच्छी लगी है। कौन? ईमान की बात करो, अच्छी लगी मुझे, काफी ऑनेस्ट है, अपफ्रंट है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम चाहिए, एंड आई वुड लाइक टू गिव हर दैट। बिल्कुल। इतवार को ईमान के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। आज तो आपको यहाँ पे होना चाहिए था ना मेरे पास। पा जी 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 कामरान भाई, कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? कामरान भाई यहाँ वो घूम लो, जितना घूमना है। सुबह 8 बजे लॉयर के ऑफिस पहुँच जाना, ठीक 8 बजे। सुना है तुमने? एक मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जी कामरान भाई। दुआ के साथ बेटा अपनी हिम्मत भी दिखानी होती है, कभी कभी खुदा सिर्फ हिम्मत देखना चाहता है।
सी